वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 स्पेशल मेल फीमेल। इस वीडियो में बात करेंगे किसके लिए, जो कल हम आपको बताए थे वो वीडियो आज बन गई है कंप्लीट, वो दिखाने वाले हैं कंप्लीट। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को आराम से देखना, क्योंकि हम बीच में बहुत सारी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, जो बच्चा स्किप कर देगा उसको नहीं समझ में आएगा। पहले वीडियो को देखो, उसके बाद आपको मजा आने वाला है। यहाँ पर देखो, वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हम दिखाने वाले हैं ज्वाइनिंग लेटर आपका कैसा होगा, किस प्रारूप में होगा, JTC आपके किस डिस्ट्रिक्ट में होगी, सेल्फ डिस्ट्रिक्ट मतलब खुद के डिस्ट्रिक्ट में होगी या फिर कहीं और होगी, आपको 100% बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, देखना। पहले एक न्यूज़ दिखा दें, दो न्यूज़ आप तीन तीन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। अभी 35,000 वाले बच्चे 35,568 स्पेशल, इस पर वर्क चल रहा है, ठीक है ना। और आपका ट्विटर अभियान एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आपको नंबर वन पे ले जाएगा ट्रेंड में, और उसको करना भी होगा, सभी को एक साथ करना होगा। और प्लीज़ लेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप सबके पास टाइम नहीं है, क्योंकि JTC धीरे धीरे डेट उसका नज़दीक आता जा रहा है, तो आपको बहुत फास्ट काम करना होगा, ठीक है ना। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको ट्रेनिंग दो चरणों में करानी है तो, और दूसरी बात, हम जो चीज़ कहेंगे वही चीज़ आपको फॉलो करनी होगी, और उसको फॉलो करना होगा प्लीज़, तो जाके आपका ट्रेंड करेगा, ठीक है ना। और पहले इसको तो अभी स्किप करते हैं, 35,500, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 22 तारीख हो गई है, ठीक है ना। आपके पास बचते हैं लगभग 8 दिन, यानी 8 दिन अभी बचते हैं तकरीबन, ठीक है ना। 8 दिन हैं, 8 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, हो तो 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आप लोग चाहोगे तो। पहले सबसे पहले इस न्यूज़ को दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे 35,000 की, ठीक है ना। न्यूज़ को जल्दी से इसको रीड करते हैं, ये 35,000 रिलेटेड से न्यूज़ है, ठीक है ना। 35,568, उसके बाद सिविल, PSC वर्सेस सिविल है, इसके बाद देख लीजिए। उसके बाद हम आपको प्रारूप दिखाने वाले हैं, जो कल आपको वीडियो में बोले थे, स्किप मत करना। जो नए बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आने बेल आइकन को क्लिक कर देना। 576 बच्चे न जुड़े, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, जो आज जुड़े हैं बच्चे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, बहुत से बच्चे शेयर किए हैं। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको रीड करते हैं फटाफट, देख लीजिए। ओल्ड न्यूज़ है, ये न्यूज़ कल की, ठीक है ना। 12 बजे, यानी 12:41 पर पब्लिश हुई, कल की न्यूज़ है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यूपी पुलिस 49,568 कांस्टेबल PSC अभ्यर्थी ने लगाया भेदभाव का आरोप, किस लिए अब आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, 49,568 सिपाही भर्ती के PSC अभ्यर्थियों ने बोर्ड पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, परिणाम घोषित हुआ, ठीक है। पहली बात, हम आपको परिणाम घोषित क्या कर रहे हैं, हम आपको यहीं से बताते हैं। लिखित एग्जाम हुआ, 7 हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपका रनिंग हुआ, 7 हुआ, ठीक है ना, मतलब DBPST हुआ, 7 हुआ। उसके बाद फिर रनिंग हुआ, 7 हुआ, ठीक है ना। मेडिकल एक साथ क्यों नहीं, ठीक है ना, यही भेदभाव है। मेडिकल एक साथ क्यों नहीं, क्योंकि अभी सिविल वाले बच्चे बचे हैं, PSC वाले अकेले ब्लेम नहीं कर सकते सिविल को, क्योंकि अभी सिविल वाले बच्चे भी बचे हैं। दूसरी बात, इसमें सही बात है, लाजमी है, आप सबका क्वेश्चन उठना चाहिए। पहली बात, यहाँ देखिए, 2 साल लेट हो गया, वैकेंसी 2018 की है, ठीक है ना, वैकेंसी 2018 की, 2020 बीतने वाला है, तकरीबन 2 साल हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। अक्टूबर आने वाला है, लगभग 2 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद अब धीरे धीरे और लेट होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। पहले यहाँ देखिए, 49,568 सिपाही भर्ती PSC अभ्यर्थियों ने, यानी PSC वाले अभ्यर्थी जो थे, बोर्ड पर भेदभाव का आरोप लगाया है। आगे देखिए, परिणाम घोषित हुए 6 महीने के बाद भी ट्रेनिंग ना कराए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। जाहिर सी बात है, यूपी के जो मुखिया होंगे उन्हीं से बच्चे गुहार लगाएंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बच्चों की ट्रेनिंग कराइए जल्दी से, और इनको जल्दी से ज्वाइनिंग पे भेजिए। यहाँ पर देखिए, उनकी मेरिट हाई होने के बाद भी उनकी अभी तक कॉल नहीं आई, यानी मेडिकल के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, सिविल का स्कोर 198 है और PSC का स्कोर 220 है, ठीक है ना, 220 मारे या 210, इसमें वो आपकी गलती नहीं, मतलब आपकी गलती है, इसमें भर्ती बोर्ड की गलती नहीं है, ठीक है ना। 220 जो स्कोर मारा बच्चा, वो तो आपने PSC चूज की होगी, ठीक है ना। अगर सिविल चूज की होते तो आप फर्स्ट वाइज में जाते, मानिए बात को। अगर 220 नंबर जो व्यक्ति मारा है, 198 नंबर जो PSC मारा है, PSC तो प्रेफरेंस पहले किया था, इसलिए वो नंबर वन पे जा रहा है। और दूसरी बात, जो हाई नंबर मारा है PSC में बच्चा, BSC में जो हाई नंबर मारा है, वो PSC चूज किया होगा तभी, नहीं तो उसको 100% सिविल मिलती। और दूसरी बात, यहाँ पे 100% इन बच्चों की गलती नहीं, कैंडिडेट की, जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि अगर गलती मानते हैं इनकी है तो आपकी भी गलती है। कम से कम आप 2 साल लेट कर चुके हैं ऑलरेडी से बच्चों को, अभी तक तो सभी बच्चे ज्वाइनिंग पे चले जाते, क्योंकि हम आपको पहले बताए थे 35,000 के, यानी अखिलेश की वैकेंसी हुई थी, तो वहाँ पे मानते हैं तब कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना का बहाना आप नहीं कर सकते। 14,000 बच्चों की ऑलरेडी से आप मेडिकल करा चुके हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप इसमें बच सकते हैं इससे। जब 14,000 का करा सकते हैं, तो 23,000 बच्चों का भी आप एक साथ करा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग क्षमता 25 के है, तो 23 के बच्चे जाने चाहिए एक साथ में, तो इसमें सभी गर्ल्स चले जाएंगे, मात्र 738 गर्ल्स जा रही हैं, कितना, 738 गर्ल्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब अखिलेश की 35 की हुई थी वैकेंसी, ठीक है ना, तो उसमें एक साथ बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजा गया, एक साथ सभी बच्चों का सब कुछ हुआ, एक साथ ट्रेनिंग पे सभी बच्चे गए, ठीक है ना। अभी बोलेंगे 23 की क्षमता है 25 के, तो कैसे 35 के चले गए, 35 के इसलिए गए
क्योंकि अदर राज्य को भी उसमें प्रेफरेंस पे लिया गया था, अदर स्टेट में आपकी ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है ना। बहुत से बच्चे अदर स्टेट में ट्रेनिंग करने गए थे, तो यहाँ चाहते तो योगी आदित्यनाथ अदर स्टेट में भी भेज सकते थे, कोई बात नहीं, अदर स्टेट में आप नहीं भेजे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने राज्य में तो ट्रेनिंग क्षमता है 23,000, इसको तो 23,000 बच्चों को भेज सकते हैं, इसमें क्या गलती है। इन बच्चों की इसमें गलती नहीं, गलती सरकार की है। आगे आपको इसको रीड करते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, यह आरोप लगाया कि उनकी मेरिट हाई होने के बाद भी अभी तक उनको कॉल नहीं आई है। देख लीजिए, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें वही बात की गई है। और यहाँ पे देखिए सिपाही भर्ती, आगे देखिए सिपाही भर्ती 2018 49,568 अभ्यर्थी का अंतिम परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया। इसके बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए उनकी ट्रेनिंग और मेडिकल प्रशिक्षण को रोक दिया गया। इस भर्ती में शामिल लगभग 18,000 पीएससी, वहीं पे 31,000 सिविल पुलिस अभ्यर्थी ने बोर्ड को एक तरफा फैसला लेते हुए 14,000 सिविल कैंडिडेट को ट्रेनिंग कराने के लिए कॉल किया, वहीं पे पीएससी वालों को कॉल नहीं किया गया। सही बात है, यहाँ देखिए 600 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी रैंकिंग सिविल से ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब 600 ऐसे अभ्यर्थी हैं पीएससी के जिनका स्कोर, ठीक है ना, जिनका स्कोर सिविल पुलिस से ज़्यादा है, लेकिन उनको अभी तक कॉल नहीं आई मेडिकल के लिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं इन बच्चों की शिकायत को सही, इन बच्चों के आवाज़ को सुनी जाए और इनको सुनने के बाद ये फैसला लिया जाए और इन बच्चों के प्लीज़ ट्रेनिंग कराई जाए, मेडिकल करा लो उसके बाद ट्रेनिंग करा दीजिए। अगर मेडिकल के लिए आप रुकते हैं, मान लो बच्चों को कुछ हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है तो आप उसको मेडिकल से अनफिट कर दोगे। कब तक बाहर 2 साल से बच्चा इंतज़ार कर रहा है, कब तक इंतज़ार करता रहेगा। 2 साल तो बीत गए, अभी 1.5 साल की बात आ गई, तो लगभग 3 साल एक वैकेंसी उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड होगा, सबसे मतलब सबसे क्या बताएं, आपके सरकार में कितना गंदा रिकॉर्ड हो जाएगा कि 3.5 साल लग जा रही है वैकेंसी को कंप्लीट कराने में। 2 साल तो ऑलरेडी से लेट हो चुका है, अब मत करिए साहब, ज़्यादा लेट हो रहा है, इन बच्चों को ट्रेनिंग पर भेजिए। आगे दिखाते हैं आपको, बाकी सारी चीज़ यही कही गई। यहाँ पर देखिए 35,000, यहाँ पर देखो एक साथ 2015 में एक ही साथ 35,000 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कराई गई थी, इसलिए समय रहते इनकी भी ट्रेनिंग कराई जाए। सही बात है, 35,000 आपको बताए थे अखिलेश वाली वैकेंसी थी, 35,000 एक साथ बच्चों की ट्रेनिंग कराई गई थी और अदर स्टेट में बहुत से बच्चे भेजे गए थे। बताइए, जब उनकी उनकी सरकार में हो सकती तो आपकी भी सरकार में पॉसिबल है, हो सकती है, आप क्यों ऐसा नहीं करते। प्लीज़ इसको कराइए, जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट है, इसको करा दीजिए, बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब से। और आगे आप यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं 14,000 स्पेशल बच्चे की कल आपके इसके यानी ज्वाइनिंग लेटर कैसे होगा, यानी नियुक्ति पत्र कैसे होगा। JTC यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले JTC याद रखना आपकी कब है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, अक्टूबर में आपकी JTC है। हाँ, अभी आपको बताए थे आपके ज़िले में JTC होगी कि नहीं होगी, पहले प्ररूप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका देख लीजिए प्ररूप ऐसे रहेगा, आरक्षी नागरिक पुलिस, ठीक है ना, नियुक्ति पत्र जिसे बोलते हैं ज्वाइनिंग आदेश, देख लीजिए दे दिया गया सब कुछ, सब कुछ आपका भरा रहेगा, ठीक है ना, देख लीजिए आरक्षी नागरिक पुलिस JTC ज्वाइनिंग लेटर आएगा ऐसे, ठीक है ना, देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लिखा रहेगा सेम एज इट इज़, पूरा नियमावली देख लीजिए 15 की संशोधन नियमावली 2017, सब कुछ सेम ऐसे लिखा रहेगा, जहाँ जहाँ सब कुछ भरना है, अभ्यर्थी का नाम, आपका अनुक्रमांक, पुत्र पुत्री पत्नी जो भी हो, ठीक है ना, निवास आप ग्राम डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, थाना डालेंगे, तहसील डालेंगे, जनपद डालेंगे, आपका पिन कोड यहाँ पर रहेगा, राज्य आपका किस राज्य से है यहाँ डालेंगे, राज्य ये सब देखो लिखा देखिए, उसके बाद यहाँ पर भरा जाएगा आपका दिनांक रहेगा उसमें, जनपद आपको कौन सा आवंटित किया गया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनपद आवंटित किया गया, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में पक्का 100% नहीं होगा, याद रखना। यहाँ देखिए JTC आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, ठीक है ना, यानी आपके सेल्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपकी JTC होगी। देखिए 99.99%, ठीक है ना, JTC आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, कन्फर्म हो गया है, ठीक है ना, बाकी कन्फ्यूज मत होना, बाकी सब कुछ यहाँ पे देखा, अनुक्रमांक, पोस्ट, थाना, तहसील, जनपद, पिन कोड नंबर सेम वही रहेगा, बाकी देख लीजिए प्ररूप ऐसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वेतन की बात की गई है, 21,000 देख लीजिए 21,700 लेकर 69,000 तक, लेकिन ठीक है ना, ये सब बात की गई। बाकी आपका जो ट्रेनिंग पे स्टार्ट सैलरी मिलेगी आपको 28,500 मिलेगी, 28,750, ठीक है ना, याद रखना सैलरी आपको कितनी मिलेगी ट्रेनिंग पे, 28,750 रुपये आपको इन हैंड यानी हर मंथ मिलेगा, ठीक है ना, हर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जैसे आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं आपको 28,000 साढ़े मिलेगा, हो सके और बढ़ गया होगा, क्योंकि 41,520 वाले बच्चों को 28,176 रुपये मिल रहा था, ठीक है ना, 176 रुपये मिल रहा था उनको, तो याद रखना आपको मिलेगा 28,750 प्लस मिलेगा, नहीं 29,000 हो सकता है लेकिन कम नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें बढ़ता जाता है, तो याद रखना लगभग 29,000 आपको सैलरी मिलेगी किसमें, जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे इसकी। और यहाँ पे देखिए जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका अकाउंट किया जाएगा, SBI में आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ खुलाया जाएगा, वहाँ पे हर चीज़ उसी में आएगी सैलरी आपकी SBI अकाउंट में, ठीक है ना। बाकी ये देख लीजिए अपना सब कुछ यही फॉर्मेट पूरा रहेगा, ठीक है ना, देख लिए होंगे समझ लिए होंगे। बाकी ये वीडियो में बतानी थी, और 35,000 वाले बच्चों की जो कल वीडियो आने वाली है, याद रखना जितनी भी सारी फीमेल हैं
और जितने भी सारे मेल हैं, कल हम पूरा डाटा कलेक्ट करके आएंगे और न्यू हैश टैग लेके आएंगे, ठीक है ना। हैश टैग कल न्यू आएगा और उसी को ट्रेंड कराना होगा और ट्विटर पे बताएंगे, क्योंकि याद रखो हम कई बार ट्विटर को रिफ्रेश किए हैं तो 1000 1000 और उसके बाद 1100 में ट्रेंड हो गया है, नंबर 5 पे ट्रेंडिंग आया है। तो आप लोग इतने 35000 बच्चे हो, अगर एक साथ करोगे लगातार, लेकिन एक साथ लगातार करना होगा। और हम एक बार आपको ट्विटर के लिए बोले थे, उस पर ट्रेंड आप लोग नहीं करवा पाए, क्योंकि गलती भी अपनी मानते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी आपको बोल दिए ट्विटर ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि उतना ऑडियंस हमारे पास थी नहीं और ज़्यादा लोग के पास शेयर वीडियो कर नहीं पाए, बहुत ही कम बच्चे, लगभग 43% बच्चे शेयर किए थे वीडियो को, उसके बाद ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट जुड़ नहीं पाए। तो हम आपको टाइम देंगे, कल हम आपको बताएंगे तो आपको टाइम देंगे, उस टाइम को फॉलो करना होगा, उसी टाइम ट्विटर ट्रेंड कर जाएगा, उसी टाइम जरूर करना और साथ करना, ठीक है ना। अभी नहीं बोलेंगे आप 2 घंटा कर दो, 2 घंटा में कोई जोड़ नहीं पाता है, आपको टाइम देंगे, उस टाइम को फॉलो करना और कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहेंगे, उसी टाइम करना जो आप मैसेज करते हो। याद रखना एक एक मैसेज आपका काउंट होता है और हर एक मैसेज उनके पास पहुंचता है। सभी बच्चों करोगे तो 100% आपकी सुनवाई होगी, जरूर होगी, क्योंकि आप लोग फालतू नहीं हो, आप लोग सिलेक्शन ले चुके हो फाइनली जॉब में, ठीक है ना। सिर्फ आपका मेडिकल होना है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर जाना है। यह इन्फॉर्मेशन देनी थी, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और कल हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तैयार रहिएगा, ठीक है ना। बाकी सबको प्रूफ दिखा चुके हैं, जो नए बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लेके धाकरदार वीडियो के साथ, ठीक है ना। तब तक आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।